नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला अकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विद्यार्थी आज जो बीएससीसी एग्जाम जिन जिन विद्यार्थियों ने दिया है, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से और बहुत एक्यूरेसी के साथ में आप सब ने परीक्षा बिल्कुल पेपर दिया है। तो आज का पेपर कैसा रहा विद्यार्थियों, बीएससीसी का पेपर का लेवल क्या रहा और क्या क्या उसमें क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या उसकी कट ऑफ जाने वाली है लगभग, तो उसी के अंदर आज इस वीडियो के अंदर अपन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों लगातार बने रहें, वीडियो के अंत तक देखें पूरी की पूरी। जैसा आपका पेपर आया उसी पेपर पे प्रत्येक क्वेश्चन पे अभी अपन सारे पेपर जो पेपर में प्रश्न आए उस पर पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए और इसके क्या आंसर होने वाले हैं। तो उससे पहले अपन एक कट ऑफ, जो कट ऑफ है कितनी जाने वाली है और पिछले जो ईयर के अंदर जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आज बीएससीसी एग्जाम आप सभी विद्यार्थियों ने दिया है, कैसा रहा उसके ऊपर देखते हैं। एग्जाम कैसा रहा, सभी लोग चिंतित हैं एग्जाम कैसा कैसा कैसा। तो दोस्तों एग्जाम बिल्कुल एवरेज, यानी पेपर इतना ईजी लेवल आया है और इतना एवरेज लेवल आया है कि सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से दिया। परंतु चिंतित करने वाली बात यह है, क्यों इस महामारी के दौरान, कोरोना के दौरान सभी विद्यार्थियों ने बहुत अपने घर पर पढ़ाई करी है, अपने घर के अंदर रह के पढ़ाई करी है, कहीं पे भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पेपर की तैयारी नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपने घर के माध्यम से, अपने घर पे जो सारी बुक्स है, कोई वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसने तैयारी करी, तो वो तैयारी कैसी रही और उसने पेपर अटेम्प्ट जो सारे क्वेश्चन किए हैं वो कैसे किए, सभी लोग चिंतित हैं। तो इसकी कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाली है, तो अपन बने रहे और देखें वीडियो को। तो विद्यार्थियों का लगभग परसेंटेज यानी अटेंडेंस जो था, कितने विद्यार्थी उसके अंदर लगभग सभी विद्यार्थियों ने बीएससीसी का एग्जाम दिया, तो लगभग जो एवरेज, ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे सेंटर बनाए गए थे, प्रत्येक सेंटर के अंदर अपन मान के चलते हैं कि एक सेंटर में लगभग 5 से 6 स्टूडेंट वहां पर अनुपस्थित यानी अपसेंट हो सकते हैं, तो उसी का ऑन एन एवरेज अपन लेके चलते हैं। तो जो विद्यार्थियों को लगभग है वो 70% विद्यार्थियों ने आज बीएससीसी का एग्जाम लगभग दिया होगा, ये अपन अनुमानित है दोस्तों, अनुमानित यानी इमेजिन कर सकते हैं, इतनों जनों ने, विद्यार्थियों ने, 70% लोगों ने, विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। तो एग्जाम में जो पार्ट है कि कितने पार्ट उसके अंदर आए हैं और उस पार्ट में से क्या क्या क्वेश्चन, तो जो रीजनिंग है, जो रीजनिंग में आपका जो सिलेबस दे रखा था उसमें प्रत्येक टॉपिक से प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं और सभी टॉपिक के बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। राजस्थान जीके के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, उन सभी टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं अभी अपन सारे पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो लगातार बने रहे दोस्तों। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारे द्वारा वीडियो डाला गया था बिल्कुल अभी थोड़े दिनों पहले, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वो बिल्कुल बीएससीसी स्पेशल विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था दोस्तों। उस वीडियो को आप भी देखें, वापस देखें कि उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए थे वो आए हैं या नहीं है। लगभग मान के चलते हैं 2 वीडियो दिए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों इंग्लिश में एंटोनियम के क्वेश्चन आए दोस्तों, सिनोनियम के आए हैं, वन वर्ड के आए हैं और बिल्कुल उसके अंदर एक पैसेज आया है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करना था, और पैसेज के बाद में आप देखें तो उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं, पैसिव वॉइस आए हैं, टेंस हैं, आर्टिकल हैं, वन वर्ड, और ये सारे के सारे 1 से 2 क्वेश्चन करके और सारे के प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन बने हुए हैं और बहुत ईजी। आप ये नहीं सोचें कि बहुत सारे टफ से टफ क्वेश्चन आए, नहीं आए, बिल्कुल इजी आए। अगर आपने बहुत पहले, अगर इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक आपने क्लियर किए हुए हैं, तो उसी टॉपिक को देखते हुए आपके प्रत्येक क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि आपको सारे के सारे वहां पे क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जितने आप करते वो सारे राइट, अगर उसमें से कोई भी गलत होता तो आपका एक भी मार्क्स उसमें से नहीं कटने वाला, सारे के सारे परसेंट में से तुक्के मारेंगे तो भी आपके, हो सकता है उसमें से कोई आपका राइट होगा। तो इंग्लिश था दोस्तों, इंग्लिश हिंदी में कवर करते हैं, तो हिंदी के जो प्रत्येक टॉपिक है यानी प्रत्येक के क्वेश्चन आए हैं, उपसर्ग के क्वेश्चन आए हैं, संधि, समास, इस तरह के सारे जो क्वेश्चन हैं आए हैं, विलोम शब्द, मुहावरे, शुद्ध अशुद्ध जो है और अशुद्धियां, उसके प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल इजी यानी बहुत सरल तरीके से वहां पे आपके एग्जाम में
आए हैं, अभी अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों ये सारा जो आपका पैटर्न था उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्न बिल्कुल इजी लेवल के आए हैं। तो दोस्तों ये सारा लेवल था आपके पार्ट, ईच पार्ट जो था ए बी सी डी उसके ऊपर डिस्कस किया। अब जो कट ऑफ जो पिछली बार 2018 में बीएसटीसी एग्जाम की कट ऑफ गई थी दोस्तों, तो आपके सामने है 2018 के अंदर जो कट ऑफ गई थी जनरल की 426 मार्क्स की कट ऑफ थी, यहाँ पे 426 मार्क्स लाए उसका हो रहा था जनरल की। यही अगर अपन चलते हैं दोस्तों 2019 के अंदर, तो 2019 के अंदर 427 यानी 2018 में 426 मार्क्स की जो लाए थे उसका वीएसटीसी में, और 427 2019 के अंदर लाए, यानी एक नंबर यहां पे जिसका बड़ा था, एक नंबर बढ़ने देखो दोस्तों 427 यहां पे 426 यानी सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस था। तो ऑन एन एवरेज अपन लेके चलते हैं इस कोरोना महामारी के दौरान के विद्यार्थियों की तैयारी कैसी थी, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी। अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की तो हो सकता है बहुत सारी ऊपर भी जा सकती है कटोर, और हो सकता है नीचे भी जा सकती है। तो दोस्तों इस दौरान अपन इस पेपर को मद्देनजर रखते हुए अगर अपन देखें कि इसकी ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं 10 मार्क्स जो है कम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है 10 मार्क्स इसके ऊपर भी जा सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप इसको माने कि जनरल की कट ऑफ है जो 2020 के अंदर 410 से लेके 420 के मध्य जाने की प्रबल जो है संभावना है, हो सकता है इसे 420 से ऊपर 10 नंबर भी जा सकता है। अभी जो कट ऑफ इसके दायरे में अपन लेके चलते हैं तो इससे कम जानी चाहिए, 410 से लेके 420 के मध्य जानी चाहिए। यही एसबीसी की जो कट ऑफ 2018 की है वो 404 मार्क्स की, और 2019 की 405 मार्क्स की, इसमें भी सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है। तो ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं तो 2020 के अंदर अभी जो कट ऑफ आपकी एसबीसी की जाने वाली है वो 395 से लेके 405 के मध्य आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो ये ध्यान रखें इससे 10 नंबर ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन इसके मध्य ही कट ऑफ जाएगी। एससी की कट ऑफ 2018 के अंदर 399 कट ऑफ गई थी, 2019 के अंदर आपकी कट ऑफ 400 यानी सिर्फ और सिर्फ एक जो मार्क्स का डिफरेंस है। तो ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं एससी की तो 390 से लेके 400 के मध्य कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है, ऊपर भी 5 से 10 जा सकती है, ध्यान रखें दोस्तों। एसटी की कट ऑफ 2018 में 412 थी और 2019 के अंदर 415 यानी तीन ऑन एन एवरेज मार्क्स हैं, वो तीन मार्क्स का अंतर है। और 2020 के अंदर दोस्तों कट ऑफ जो जाने वाली है वो 405 से लेके 415 के मध्य बिल्कुल कट ऑफ जाने वाली है, हो सकता थोड़ा सा ऊपर आए, लेकिन जो ऑन एन एवरेज आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो आपकी कट ऑफ ये है जो बिल्कुल जाने वाली है। तो दोस्तों ये सारी की सारी कट ऑफ आपकी बीएसटीसी की आपके सामने हमने रख दी है, इसे पूरी जो आप सभी विद्यार्थियों ने पेपर दिया है बहुत बढ़िया पेपर हुआ। अभी ईच जो पार्ट है, अभी राजस्थान जीके में कौन कौन से आपके क्वेश्चन बने हैं और हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, तो इस अभी सारा इस पर डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्दी विद्यार्थियों आप सभी के समक्ष तक्षशिला अकेडमी जोधपुर का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला, उसमें सभी आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, या इवन पटवार हो, कांस्टेबल हो, या हाईकोर्ट हो, रीट हो, फार्मासिस्ट, जेएन, सभी की। तो विद्यार्थी बहुत जल्द आप सबके समक्ष में लेके आने वाला हूँ बहुत बढ़िया शानदार मोबाइल एप्लीकेशन। और बड़ी इसी पे आगे बढ़ते हैं और अपन पूरे पेपर के अंदर जो है कैसे कैसे अपने क्वेश्चन आए हैं और उस प्रत्येक क्वेश्चन का आपने क्या जवाब दिया है और उसका राइट क्या आंसर होना चाहिए, बिल्कुल मेरे सहपाठी श्री मोतीराम जी इस संपूर्ण जो बीएसटीसी का भी एग्जाम हुआ उस पर चर्चा करेंगे। लगातार बने रहे वीडियो को और अंत तक देखें। लीजिए मोतीराम जी सर। तो विद्यार्थियों कैसा रहा आपका बीएसटीसी भर्ती परीक्षा का जो पेपर था वो वाला? ये जो पेपर था इसका जो एवरेज आप कह सकते हो कि इसका पेपर था, इस पेपर का लेवल कैसा था? तो देखिए लेवल जो पिछले साल का एग्जाम था उस एग्जाम से जो लेवल था वो बेहद मतलब एवरेज था, ठीक था, अपन लो भी नहीं कह सकते अधिक भी नहीं कह सकते, लेकिन उससे जो
लेवल था वो स्तर था वो कम था। अब बात करते हैं बीएसटीसी की, जो ये पेपर हुआ है इस पेपर में सवाल कैसे बने। तो इसमें जो इस बार जो सवाल बने हैं, तो आप देखना कि जो ये सवाल है ये पिछली बार की तुलना के अंदर उनसे मिलते जुलते हुए हैं। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात है कि तक्षशिला एकेडमी ने आपके लिए 500 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज डाली थी शिक्षा मनोविज्ञान की, और उसमें से लगभग आपके शिक्षा मनोविज्ञान में सारे सवाल आए हैं। इसके अलावा जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो राजस्थान जीके के अंदर महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो आपको एक एक सवाल बताऊंगा कौन सा सवाल पूछा गया था। हमने लगभग अपने 150 स्टूडेंट्स थे उनके मैसेज आए हमारे पास, अभी भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर जो पेपर सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का आप यूट्यूब के माध्यम से हमें बताइए, क्योंकि हर एक विद्यार्थी को हम फोन पे इतने सारे प्रश्न नहीं बता पाते। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया था एग्जाम में, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सेवक होता है। कौन होता है, ग्राम सेवक। फिर देखिए सवाल पूछा, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए चार ऑप्शन था और पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सॉरी कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, महानदी। इसके अलावा काली सिंध भी आपके ऑप्शन में था, जो झालावाड़ से और चित्तौड़ इधर से बहती हुई हाड़ौती प्रदेश से होते हुए बहती है। तो ध्यान रखना। फिर ऐसे लोक देवता जिनके साथ उनकी पत्नी सती हुई थी, लोक देवता तेजाजी, लोक देवता तेजाजी के साथ उनकी क्या हुई थी, पत्नी थी, वो भी क्या हुई थी, पेमल सती हुई थी। फिर अगला सवाल देखिए, मांडवा किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए राजस्थान के अंदर ठेकावाटी के अंदर प्रसिद्ध क्या है, मांडवा, और मांडवा किसके लिए प्रसिद्ध है, मांडवा हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए अगला सवाल, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है राजस्थान का। तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता किस जिले की है, आपको पता है राजस्थान के अंदर सबसे कम साक्षरता किसकी है, जालौर जिले की। अपन चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न है, 99% मैं कर सकता हूं तक्षशिला एकेडमी के YouTube चैनल में, जब हम एक प्रश्न के पीछे 15-15 प्रश्नों के सॉल्व करवा रहे थे, उनमें जाकर आप देखोगे तो ये आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सबसे कम साक्षरता जालौर की हो गई। राजस्थान के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, लेकिन अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। अगला सवाल देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेदशाला का नाम है। अब देखिए सवाई जयसिंह जो जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने वेदशालाओं का निर्माण करवाया था जिन्हें जंतर मंतर कहते हैं। इन्होंने 5 वेदशालाएं बनवाई थी, दिल्ली के अंदर बनाई थी, जयपुर के अंदर बनाई थी, उज्जैन के अंदर बनाई थी, मथुरा के अंदर बनाई थी, वाराणसी या जिसको बनारस कहा जाता है वहां पर भी उन्होंने वेदशाला बनाई थी। फिर अगला सवाल पूछा था, कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी। तो कालीबाई रास्तापाल गाँव की रहने वाली थी, और रास्तापाल गाँव है वो डूंगरपुर जिले के अंदर है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अगला सवाल देखिए, दर्रा अभयारण्य कहां पर है। तो देखिए दर्रा अभयारण्य कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन तीनों के मध्य है। लेकिन अगर एक ऑप्शन दिया तो आपका कोटा होगा, दो ऑप्शन दिया तो कोटा बूंदी होगा, और तीन ऑप्शन दिए तो कोटा बूंदी और झालावाड़ तीनों होंगे। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल कितना अच्छा पूछा, कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कीर्ति स्तंभ 1437 में, आपको बताया था मैंने, राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासकों को पराजित किया और इसका निर्माण करवाया था, जिसके वास्तु भी मैंने आपको बताए थे, जैतानामा, पोमा, पूंजा, मूर्तियों का अजायब घर, भगवान विष्णु को समर्पित, याद कीजिए आप जो पिछले वीडियो देखे होंगे आपने। इसके अलावा अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसको मैंने कहा था, क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का जो सबसे पहले सूर्योदय होता है, धौलपुर, शाबाश, धौलपुर जिला है वो क्या है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। देखिए कमेंट करते जाइए, कई सारे सवाल है जो आपको लगते हैं कि सर इसमें डाउटफुल है, कमेंट में लिखिए, सीधा सीधा आंसर आएगा कमेंट के अंदर आपके। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। राजस्थान का लिंग अनुपात पूछा था, राजस्थान का लिंग अनुपात 926 कितना था, 926 राजस्थान का लिंग अनुपात था। अगला देखिए सवाल पूछा है, गोदान के रचयिता कौन है या गोदान के लेखक कौन थे। तो मुंशी प्रेमचंद, जी हाँ मुंशी प्रेमचंद। जब आप 10वीं 12वीं के अंदर थे या 8वीं 9वीं में थे, तो आप लोगों ने जो पाठ पढ़े होंगे, ईदगाह का पाठ पढ़ा होगा, या फिर आप कैसे हो, नमक का दरोगा पढ़ा होगा। तो ये जो गोदान है ये भी किसकी है,
मुंशी प्रेमचंद की हैं, हिंदी के लेखक थे बहुत बड़े। फिर अगला सवाल पूछा गया था, सबसे ज्यादा भील जनजाति राजस्थान में कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है आपके उदयपुर जिले में। राजस्थान में जो जनजातियों में दूसरा स्थान है भीलों का, पहला स्थान है मीणा का। मैंने बताया था आपको मीणा जनजाति के घर को क्या कहा जाता है, इनकी जो सभा होती है मोर बंदिया विवाह, ताना विवाह, मैंने कई सारी बातें फैक्ट बताए थे। सवाल वहीं से पढ़ रहे हैं, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है भोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद के मध्य है, कौन सा पठार? ऐसे करके बताया था मैंने पिछले वीडियो, देखिए आप भोराट का पठार। अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कितना प्रतिशत है भारत का? तो आप लोगों को पता होगा राजस्थान का, इस तरह से मैंने नक्शा बताया था और मैंने कहा था 34, 22, 39, और उसमें मैंने कहा क्षेत्रफल प्रतिशत एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा तो 10.41% ही करना है। आगे देखिए कितना अच्छा सवाल है, राजस्थान मंत्रिमंडल में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? देखिए राजस्थान मंत्रिमंडल में या किसी भी राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्य कितने हो सकते हैं? उस राज्य की विधानसभा सीटों के 15%। तो राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के जो 200 विधानसभा सदस्य है, इन 200 विधानसभा सदस्यों का 15% 30 होता है। तो राजस्थान के अंदर 30 व्यक्ति है वो मंत्री बन सकते हैं। अगला सवाल देखिए, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से सीधी कहां कितनी कर दी? 200 कर दी। छठी विधानसभा, और छठी विधानसभा 1977 से 1982। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा गया था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देखिए 1857 में राजस्थान में क्रांति का केंद्र अजमेर था, और आपको पता होगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो नसीराबाद के अंदर तैनाती, उसी ने राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्या किया था, विद्रोह किया था 30 मई 1857। याद कीजिए मेरी क्लास को, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अगला देखिए आप, आवासन मंडल की स्थापना कहां हुई? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी, ध्यान रखना। अगला सवाल, कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, देखिए उमेद सिंह प्रथम का शासन काल है वो कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने बताया था कोटा चित्रशैली के अंदर शिकार के दृश्य सर्वाधिक है, महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, शेर और हाथी के चित्र मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में, और आप लोगों ने उस समय तालियां भी बजाई थी कि सर ऐसा भी होता था, महिलाएं शिकार करती थी। मैंने कहा क्यों नहीं करती है, आज भी करती है, पहले भी करती थी। आगे देखिए, फिर देखिए सामोद महल कहां स्थित है? सामोद महल जयपुर के अंदर। फिर अगला सवाल, जामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटड़ा उदयपुर, जामर कोटड़ा उदयपुर रॉक फॉस्फेट के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, जब अपन ने खनिज को पढ़ा था उस समय। फिर कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, और कालीबंगा सभ्यता को ही राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, जहां पर मैंने बताया था अग्निवेदिकाएं, भूकंप के अवशेष, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे क्या मिले हैं, ऐसी चीजें मिली है जो प्राचीन जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे मेल जोल खाता था। अमलानंद घोष ने खोज की थी 1951 के अंदर। फिर अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अमर सागर जैन मंदिर, अमर सागर आते ही आपको जैसलमेर जाना था, अमर सागर किसके लिए जाना जाता है? जैन मंदिरों के लिए। इससे पहले एक बार सवाल और पूछा गया था कि अमर सागर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अमर सागर के अंदर बहुत अधिक क्या लगे हुए हैं, सौर ऊर्जा के जो पंखे हैं, पवन ऊर्जा के पंखे स्विट्जरलैंड कंपनी के बहुत अधिक लगे हुए हैं। याद कीजिए, आप दिमाग को थोड़ा और घुमाइए, दिमाग को खुला रखिए, दबाइए मत, दिमाग को खुला रखोगे उतना ही अच्छा आप आगे पढ़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। छोटी सोच वाले लोग होते हैं वो हमेशा ओछा सोचते हैं, और ओछी मानसिकता वाले लोग कभी पास नहीं होते हैं। अगला सवाल देखिए, सबसे कम पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला जिला, आप लोगों को पता है सर्वाधिक जैसलमेर और सबसे कम बीकानेर, और राजस्थान में पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं 4 जिले, पता है आपको, बीकानेर 168 किलोमीटर। फिर अगला सवाल देखिए, मावट से किस फसल को फायदा नहीं होता है? 4 ऑप्शन थे आपके पास में, और दिमाग की बात है कि आपको देखना था कि ये फसल कब की है, मावट से किस फसल को नुकसान होता है। देखिए सरसों ऑप्शन में था, तो सरसों सर्दी की फसल है, और सर्दी में जब सरसों उग रही होती है तो बारिश होती है तो क्या होता है, अच्छा लगता है उसको, मजा आता है, और वो क्या होती है, खिलखिलाकर हंसकर खड़ी होती है और कहती है मैं देखो बड़ी हो गई। गेहूं
गेहूं के लिए तो सबसे अच्छी है चने, और चना जब खेत के अंदर होता है, बारिश होती है सर्दियों के अंदर, तो चना खुद इतना बड़ा फूल फूल के बाहर आ जाता है कि देखो मैं इतना बड़ा हो गया हूं। लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदे किसके किसके ऊपर गिरेगी, कपास के ऊपर गिरेगी, तो कपास भीग जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो कपास की फसल के लिए जो है मावट है वो उसका कोई संबंध नहीं है, उल्टा नुकसान है। मावट पश्चिमी विक्षोभ से आती है। मैंने कहा था मावट के अंदर एक बात ही मैंने बताई थी, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है इसको, स्वर्ण बूंदे कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से जब तूफान आते हैं, सर्दियों में गर्मियों सा एहसास होता है और उस समय बारिश होती है, मन करता है भीग जाऊं, लेकिन डर लगता है जुकाम हो जाएगा, खांसी होगी, इसीलिए डर के मारे वापिस कमरे के अंदर जाके सो जाता हूं। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, सवाई जय सिंह ने वेदशालाओं का निर्माण कहां करवाया था? तो देखिए, आगरा में करवाया, जयपुर में कराया, उज्जैन में कराया, दिल्ली में कराया और बनारस में करवाया था। 5 वेदशालाएं मैंने ऑप्शन दिया था, जयपुर प्लस मऊवादी ध्यान रखना, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और दिल्ली। ये मैंने आपको ट्रिक रटवाई थी, अब आपने याद नहीं किया या हमें सीरियस नहीं लिया, ये हमारी नहीं आपकी गलती है। आगे देखिए, सवाल पूछा है कानड़देव प्रबंध के रचयिता, कानड़देव प्रबंध मैंने जालोर का इतिहास पढ़ाया था, जालोर का किला पढ़ाया था, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, तब मैंने कहा था कानड़देव प्रबंध जो जिसने लिखी थी वीरमदेव सोनगरारी बात, और इसने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और कानड़देव चौहान, वीरमदेव सोनगरा जैसे वीर राजा यहाँ पर क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। फिरोजा वाला आपको लोगों को पता होगा कि फिरोजा भी आई थी, लेकिन फिरोजा का मिला कुछ नहीं था। आगे देखिए, फिर सवाल था कुंभकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? तो देखिए, कुंभकालीन कौन कौन से शासक थे? सैयद वंश के शासक थे, लोधी वंश के शासक थे, सैयद और लोधी, याद रखना सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अब देखिए, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? कूट कूट के चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने, कहा सवाल हर बार पूछा जाता है, और जब मैंने प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाए थे उस समय बताया था कि राजस्थान के अंदर सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने 1934 में सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की थी। गांधीवादी सिद्धांतों के थे, गांधी जी को बहुत अधिक मानते थे, इसीलिए राजस्थान का गांधी कहा जाता था उन्हें। फिर देखिए, सवाल पूछा था जल्ला गीत का संबंध है, मैंने कहा था जल्ला गीत का संबंध है जब बारात आती है, बारात डेरे में ठहरती है, दुल्हन की सहेलियां जाती है दूल्हे को देखने डेरे में, उस समय गीत गाती है जल्ला, कौन सा जल्ला? सेनरा डेरा निरखन आईयो। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इससे कुछ बाहर था नहीं। अब आगे देखिए, अगला सवाल, इतने अच्छे अच्छे आपसे सवाल पूछे गए थे, हिंदी में भी कई सारे सवाल ऐसे पूछे गए थे, जैसे रामायण में कौन सा प्रत्यय है? तो रामायण, यण में कौन, इसमें देखिए, जैसे सवाल पूछा गया था मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, इसके अलावा देखिए आंख का तारा बहुत प्यारा, वो तो मेरी आंख का तारा थी लेकिन वो तारा पता नहीं किसी और के साथ भाग गई, तो आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा, सोने में सुगंध, ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो विद्यार्थियों, इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे बीएसटीसी भर्ती परीक्षा में। एक देखिए, मैं आपको आज एक कविता सुनाऊंगा जो कवि आनंद परम की है, आप ये एग्जाम देकर आए हैं, आपको निराश नहीं होना है, पास होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है, असफलता ही सफलता की ओर लेकर जाती है, और जो आदमी असफल होने के बाद सफल होता है वही देश का पक्का मजबूत स्तंभ होता है, क्योंकि उसने ठोकरें खाई हैं और ठोकरें खाने के बाद ही उसने वो संभला है। तो ठोकरें खाने वाला आदमी होता है, जो फेल होने वाला आदमी होता है, वो कभी दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता है, सबके प्रति पॉजिटिव थिंक रखता है। तो देखिए, कवि परम की एक कविता है, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल पिघलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख
कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की जो है थमा थमा सा, वो भी चल निकलेगा। कोशिश कर, हर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो विद्यार्थियों, तक्षशिला एकेडमी जोधपुर जो आपके लिए हमेशा आपकी प्रतियोगी परीक्षा में तत्पर रहता है, हर पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको सटीक जानकारी के साथ देता है। और अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की यह बात है, क्योंकि जल्द ही आपके सामने तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आ रहा है मोबाइल एंड्रॉइड ऐप, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। और राजस्थान में तो क्या, पूरे भारत के अंदर आपकी जो एक अद्भुत टेस्ट सीरीज होगी, अद्भुत क्लासें होगी, सब कुछ अद्भुत होने वाला है। तो लगातार जुड़े रहिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।